अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कुकिंग विद सनी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें हर आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ बन कबाब। बन कबाब के लिए मैंने चने की दाल ली है 250 ग्राम्स। एक पाव चने की दाल ली है, इसे 1 से 2 घंटे पहले धो के भिगो के रख दिया था। गाय का कीमा है इसमें 1 पाव। अदरक लहसुन का पेस्ट गया 2 टेबल स्पून। 10 साबित काली मिर्चें गई हैं और साबित धनिया जाएगा इसमें। मैंने धनिया कूटा हुआ डाला है, आप साबित धनिया डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। साबित ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून और 2 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर दिया। और साबित लाल मिर्चें जाएंगी 18 से 20 और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है और नमक जाएगा हसबे जायका। पूरी रेसिपी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से रेसिपी देख के लिख सकते हैं। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया 1 से 2 कप और अब मैं इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पानी खुश्क हो गया है और दाल अच्छे से गल गई, मसाले पक चुके हैं। अब मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और अब मैं इसे पीसूंगी। दूसरी तरफ मैंने आलूओं को बॉईल किया है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल किया, छिलका उतारा, मैश कर लिया है। कीमे और दाल को अब मैं पीस रही हूँ। कीमा और दाल वाला मिक्सचर अच्छे से मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने आलूओं को मैश करके रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके मैं कबाब तैयार करूँगी। इस तरह से मैंने कबाब तैयार कर लिए। दूसरी तरफ मैं अंडे की सफ़ेदियाँ बीट करूँगी। 4 अंडे की सफ़ेदी ली हुई है मैंने। 2 मैं मशीन से बीट करूंगी और 2 मैं फोर्क की मदद से बीट करूंगी। इस तरह से कबाब में लगाऊंगी। इस तरह अच्छे से कबाब में सफ़ेदी लगा दी इस तरह से और अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डालूंगी। दो अंडे की सफ़ेदी को मैं हैंड विस्क से बीट कर रही हूँ, या तो आप चाहें कांटे की मदद से इस तरह से कर सकते हैं, फेर सकते हैं। और हल्का सा मैंने फ्राइंग पैन में तेल डाला है और अब मैं इसे फ्राई के लिए डाल रही हूँ। ये वाले कबाब जो मैंने मशीन से अंडे की सफ़ेदी बीट की थी, ये वो वाले कबाब हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, साइड चेंज कर दी है। मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। इस कबाब की अंडे की सफ़ेदी मैंने कांटे की मदद से बीट की थी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। और बिल्कुल हल्के से तेल में मैंने इसे फ्राई किया था। कबाब तैयार है। दूसरी तरफ मैं चटनी तैयार करूँगी। हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी की रेसिपी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पहले सिखाई है, उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सिर्फ मैंने चटनी में 2 टेबल स्पून दही शामिल कर दी है और पूरी रेसिपी वही है। दही लिए मैंने 1 कप, इसमें मैं 4 टेबल स्पून हरी चटनी इस तरह से शामिल करूँगी और मिक्स करके रख लूँगी। नमक डालूँगी मैं इसमें हसबे जायका, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तवे में मैंने तेल शामिल किया हल्का सा और इसमें बन इस तरह से मैं दोनों साइडों से अच्छे से सेक लूँगी। बन अच्छे से सेक गई है, अब मैं इसमें चटनी लगा रही हूँ। अच्छे से भर के लगाएं। जो कबाब मैंने तल के रखे हैं वो इस तरह से मैंने रख दिया। बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी इस तरह से।
बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी और चटनी शामिल की इसके ऊपर भी, और बन के दूसरे साइड पे भी मैं चटनी लगा रही हूँ। तवे में मैंने 1 टेबल स्पून तेल शामिल किया है और इस तरह से दोनों साइडों से बन को मैं सेक लूँगी और बन कबाब तैयार है। साथ में मैंने चटनी दी है और प्याज के लच्छे दिए हैं। बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें घर पे। बहुत ही मज़े के बन कबाब हैं, ज़रूर बनाएं घर पे, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बन कबाब के लिए जो हमने इसमें चीज़ें ली थी, 1 पाव गाय का कीमा लिया था मैंने इसमें, 1 पाव इसमें चने की दाल ली थी, 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबित, 2 टेबल स्पून साबित धनिया गया था, 3 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू गए थे, नमक गया था हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट गया था इसमें 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें 1 टीस्पून, साबित लाल मिर्चें 20 गई थी, साबित काली मिर्चें 10 गई थी और गरम मसाले का पाउडर गया था इसमें 2 टीस्पून और अंडे की सफ़ेदी गई है 3 से 4। और आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें हर आने वाली नई रेसिपीज़ के लिए।